दो दिवसीय बागेश्वर भ्रमण पर पहुंचे मंडलायुक्त दीपक रावत के पास बहुत से क्षेत्रीय लोग व जनप्रतिनिधि अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने उनके सामने विकास प्राधिकरण, भ्रष्टाचार, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति सहित ऐसी कई सारी समस्याएं रखी और इन पर कार्रवाई करने की मांग की। मंडलायुक्त ने जिला स्तरीय सभी अधिकारियों की बैठक भी ली और उचित दिशा निर्देश भी सभी को उनके द्वारा दिए गए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के सभी कार्यालयों व अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने एक बेहतर बागेश्वर बनाने की दिशा में कार्य करने का लोगों को भरोसा दिलाया। समीक्षा बैठक आज यहाँ पे हुई, सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और मुख्यतः हमने ब्रिजेस पे और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई है या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे वैपकॉस के केस में, वैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देख लें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है, कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं की गई, तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें। इसके अलावा जल जीवन मिशन के वर्क्स को भी रिव्यू किया गया, इसमें ज़्यादातर वर्क्स के टेंडर्स हो चुके हैं, ये अवार्ड के स्टेज पे हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि पूरे होने की ओर है। 300 विलेजेस मुझे बताया गया ऐसे हैं जिसमें कि जल जीवन मिशन के मानकों के अनुरूप जो जलापूर्ति है वो पहले से हो रही है। और एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आज सामने आई है कि जो हमारा जिला अस्पताल है इसकी बेड कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। जिस हिसाब से यहाँ पे IPD हो रही है, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, चाहे इसको हम वर्ल्ड बैंक में प्रस्तावित करें या अन्य जगहों से प्रस्तावित करें तो इसको बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने कहा कि इसमें जो लैंड यूज़ डिफाइंड है वो अव्यवहारिक है और उस वजह से बहुत से विकास कार्य रुक रहे हैं, तो इसमें कुछ शिथिलता है कि पावर जो होती है बोर्ड के स्तर पे होती है। तो मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की, अपनी इस हिसाब से रिक्वेस्ट की कि ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें और उसमें अगर कुछ अन्य बोर्ड के स्तर से हैं तो वो हम कर दें, और अगर ऐसा है कि वो व्यवहारिक नहीं रह गए और योजना में बदलाव होना है उसके लिए भी आगे स्टेप्स लें। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।